Very good evening friends, I R.P. Mishra welcome you on YouTube channel of Chandra Institute. So guys, we are going through William Shakespeare के पहली बार हम लोग लेने जा रहे हैं शेक्सपियर की एक ट्रेजिडी जिसका नाम है ओथेलो. वैसे आप लोगों ने इस पर एक मूवी बनी थी बॉलीवुड में जिसका नाम था ओमकारा. तो ओमकारा जो मूवी बनी थी वास्तव में ओथेलो पे बनी थी. तो चलिए एक बार सुनाते हैं क्या है कहानी ओथेलो की, पर उससे पहले कुछ करेक्टर्स. ओथेलो जो एक निग्रो है, एक मूर है, जनरल है, वेनिस की आर्मी का सेनापति है. डेस्टिमोना उसकी वाइफ है और बेटी है किसकी, ब्रिवेंसियो की, और जो कि एक सीनेटर भी है. कैसियो पसंदीदा सैनिक है किसका, ओथेलो का. और बाइंका एक वेश्या है, एक प्रोस्टिट्यूट है, जो प्रेमिका है किसकी, कैसियो की. और ब्रिवेंसियो पिता है डेस्टिमोना के. आइगो द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड, जब भी बोलता हूँ आज तक किसी भी फिल्म में, किसी भी साहित्य में बनाया गया दुनिया का सबसे कॉम्प्लिकेटेड करेक्टर, सबसे खतरनाक खलनायक कौन है, आइगो. तो आइगो एनदर सोल्जर है ओथेलो का, जो नफरत भी करता है ओथेलो से और हमारे फिलहाल कहानी का खलनायक है. एमिलिया वाइफ है किसकी, ओथेलो की. रोड्रिगो एक दिवालिया हो चुका वेनिसियन जेंटलमैन है जो कि प्यार करता है किससे, डेस्टिमोना से पहले से ही. तो चलते हैं कहानी शुरू करते हैं दोस्त, ध्यान से सुनेंगे अगले 10 मिनट वी वुड टेक. यह ट्रेजिडी अपने आप में बहुत अजीब है. विलियम शेक्सपियर की चार प्रमुख ट्रेजिडीज में ओथेलो सबसे अलग प्रकार की ट्रेजिडी है. तो कहानी शुरू करते हैं एक बार हिंदी में. कहानी की शुरू में हमें पता चलता है आइगो और ये दिवालिया हो चुका रोड्रिगो आपस में बात करते होते हैं. रोड्रिगो से काफ़ी पैसे उधार ले चुका है कौन, आइगो. अब ध्यान से सुनेंगे क्या होता है दोस्त. अब यहाँ पे कहानी के शुरुआत में हम क्या देखते हैं कि आइगो से पैसे मांगता होता है रोड्रिगो, उसे बहुत डांटता है और वो कहता है तुमने मुझे नहीं बताया, जबकि डेस्टिमोना ने चुपके से शादी कर ली किससे, ओथेलो से. आइगो भी बहुत नफरत करता है ओथेलो से क्योंकि ओथेलो ने कैसियो को उसके ऊपर रैंक में बिठा दिया है, जबकि वो कैसियो को एक बकवास सिपाही समझता है. इसलिए वो भी नफरत करता है किसका, किससे, ओथेलो से. और वो भी ओथेलो का एंड चाहता है. अब सुनेंगे दोस्त होता क्या है कि वो कहता है ठीक है मैं कुछ ऐसा अरेंजमेंट करूँगा कि उनकी शादी टूट जाए, क्योंकि वो झूठी बूटी कहानी बनाता है, कहता है ओथेलो मेरी वाइफ अमेलिया के साथ सो चुका है. इन सब बातों के बीच वो लोग प्लान बताते हैं, वो लोग जाते हैं और ब्रिवेंसियो जो कि पिता है किसका, डेस्टिमोना का, उनको बताते हैं कि आपकी बेटी भाग गई है मूर के साथ जिसका नाम है ओथेलो. ब्रिवेंसियो एकदम गुस्से में आता है, वो ऑर्डर देता है कि ओथेलो का सर काट करके मेरे पास पेश किया जाए. सुनेंगे कहानी ऐसे आगे बढ़ती है. ब्रिवेंसियो गुस्से में ओथेलो के घर जाता है पर वहाँ पे उसके आदमी उसे मिलने नहीं देते, क्योंकि उसी दौरान ड्यूक का ऑर्डर आता है क्योंकि तुर्की आर्मी साइप्रस पर अटैक करने वाली होती है. तो अभी सारे लोग बिना चाहते हुए भी ब्रिवेंसियो ओथेलो के साथ पहुंच जाता है कहाँ, ड्यूक के दरबार में, ड्यूक की सभा में. और अब ध्यान से सुनेंगे वहाँ क्या होता है ड्यूक की सभा में. मेरे दोस्त क्या होता है कि ब्रिवेंसियो ये मुद्दा उठा देता है कि ओथेलो ने मेरी बेटी को जादू करके भगा लिया है. अंत में ओथेलो क्लैरिफिकेशन देता है कि साहब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इनकी बेटी मुझसे खुद ही प्यार करती थी. और इसको प्रूव करने के लिए असेंबली में, कोर्ट में लाया जाता है किसको, डेस्टिमोना को. डेस्टिमोना ये बात मानती है कि हाँ मैं ओथेलो से प्यार करती हूँ. और इस तरह से ब्रिवेंसियो बेचारा हार जाता है, पर वह जाते जाते कहता है कि ओथेलो से कहता है कि मैं इसका पिता हूँ, इसने मुझे धोखा दिया है, तुम्हें भी धोखा देगी. इसी पे ब्रिवेंसियो की कहानी का एंड होता है. अब आगे सुनेंगे. अब यहाँ युद्ध के लिए निकल पड़ती है ओथेलो की सेना, पर जब ये लोग साइप्रस पहुँचते हैं तो साइप्रस में लोग क्या देखते हैं कि जो तुर्की सेना होती है रात में भूकंप आता है और उनका पूरा बेड़ा बिखर जाता है. इस तरह से युद्ध बिना लड़े ही ये लोग जीत जाते हैं. पार्टी वार्टी होती है और डेस्टिमोना को कुछ निजी समय देने के लिए एक एकांत जगह पर चला जाता है कौन, ओथेलो उसके साथ. और यहाँ पर फिर से डिस्टर्ब करता है कौन,
आइगो, आइगो मैं पहले बता रहा हूँ, आज तक बनाया गया सबसे खतरनाक खलनायक आइगो है दोस्त। आइगो क्या करता है कि कैसियो को शराब पिला देता है, इतना ज़्यादा पिला देता है कि कैसियो अपना होश खो बैठता है। जब वो नशे में हो जाता है तो रोड्रिगो को झगड़ा करने के लिए भेजता है, किससे? कैसियो से। अब दोनों के बीच मेरे दोस्त एक झगड़ा होता है, और जब झगड़ा होता है तो इसी बीच नींद खुल जाती है किसकी? अथेलो की। अथेलो गुस्से में आता है और कैसियो को नौकरी से निकाल देता है और उसके रैंक को छीन लेता है, और यही तो चाहता है कौन? आइगो। अब दोस्त कहानी बहुत परेशान होती है, बेचारा कैसियो परेशान हो जाता है। फिर मैंने बोला दोस्त, दुनिया का, बार बार आपको इसीलिए वीडियो में कह रहा हूँ, दुनिया का सबसे खतरनाक खलनायक आइगो। आइगो क्या करता है, एक और चाल चल देता है। अब सुनना कैसी दोहरी चाल चलता है आइगो। वह एक तरफ तो कैसियो को ये बोलता है कि आप एक काम करो, आप जाओ अथेलो की वाइफ डेस्टिमोना से रिक्वेस्ट करो कि वह अथेलो आपको माफ़ कर दे, आपकी नौकरी वापस कर दे। एक तरफ कैसियो को ये बोलता है, दूसरी तरफ वो अथेलो को ये बोलता है कि तुम्हारी बीबी और कैसियो के बीच में अफेयर चल रहा है, मतलब डेस्टिमोना और कैसियो के बीच में एक अफेयर चल रहा है। अब दोनों काम वो इतने सफाई से करता है कि वह जाता है, कैसियो डेस्टिमोना से मिलने जाता है, और इसी बीच अथेलो डेस्टिमोना की एक मीटिंग होती है, जिस दौरान अथेलो की एक हैंकी, हैंडकरचीफ जिसे हम आज के डेट में रुमाल कहते हैं, गिर जाती है, और वो हैंकी कौन पा जाती है? एमिलिया, जो कि वाइफ होती है किसकी? गधे आइगो की। अब क्या होता है कि वह रुमाल कई दिनों से अपनी बीबी को चोरी करने के लिए उकसा रहा था, कौन? आइगो। अब आइगो पा जाता है रुमाल किसकी? डेस्टिमोना और अथेलो की। अब वह क्या काम करता है, चालाकी से, बहुत ही चालाकी से उस रुमाल को ले जाता है, डाल देता है किसके घर में? कैसियो के घर में। और यहाँ पे जब डेस्टिमोना के पास आता है कैसियो अपनी नौकरी के लिए रिक्वेस्ट करने के लिए, उसी दौरान अथेलो को लेके आता है आइगो, और अथेलो को ये डाउट हो जाता है कि मेरी बीवी और कैसियो के बीच में कोई ना कोई अफेयर चल रहा है। अब कहानी यहाँ से देखेंगे पूरी कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही है। अब इधर एक और केस होता है, वह हैंकी जैसा मैंने बताया उठा के ले जाता है, कैसियो के घर में डाल देता है आइगो। अब क्या होता है दोस्त, इधर बेचारी डेस्टिमोना अपनी हैंकी खो चुकी होती है, बार बार अमेलिया से पूछती है पर अमेलिया उसे नहीं बताती। अब बीच में क्या होता है कि कैसियो को मारने की प्लानिंग करते हैं कौन? रोड्रिगो और क्या बोलते हैं आइगो। वो रात को आता होता है, वो लोग अंधेरे में उसके ऊपर अटैक कर देते हैं, पैर उसका कट जाता है। और अब सबसे बड़ी कहानी क्या है कि डाउट हो जाता है अथेलो को कि डेस्टिमोना प्यार करती है किससे? कैसियो से। अब एक गेम फिर से होता है, आइगो अथेलो को एक जगह खड़ा होकर के बात करता है, उसके घर के सामने खड़ा करके कैसियो से बात करता है। अब कैसियो से बात करने के दौरान इतना बड़ा गेम खेल देता है आइगो, वह डेस्टिमोना का नाम नहीं लेता, वह नाम किसका लेता है? बियांका का, जो कि एक वेश्या है, एक प्रोस्टिट्यूट है, जिससे प्यार करता है कौन? कैसियो। पर वो बियांका का नाम इतना धीरे से लेता है कि नहीं समझ पाता कौन? अथेलो। अथेलो बियांका के बजाय डेस्टिमोना, क्योंकि वो धीरे से पूछता है कि क्या तुम, जैसे मैंने बोला, क्या तुम उससे प्यार करते हो? तो प्यार करते हो तो तेज कहता है, पर बियांका शब्द को धीरे से प्रोनाउंस करता है। अब गलती से अथेलो क्या समझ जाता है कि अब बियांका के बजाय किसकी बात चल रही है? डेस्टिमोना की। अब अथेलो श्योर हो जाता है कि डेस्टिमोना और कैसियो का क्या चल रहा है? अफेयर चल रहा है। अब वो क्या करता है बॉस, ऑर्डर दे देता है आइगो को कि कैसियो को जान से मार दिया जाए, और खुद भी डेस्टिमोना को मारने के लिए निकल पड़ता है। इसी बीच बियांका आती है किसके पास? कैसियो के पास। अब यहाँ पे दोस्त एक बहुत बड़ा केस हो जाता है। बहुत बड़ा केस क्या होता है कि बियांका उससे कुछ मांगती है, और वह हैंकी उठा के किसको दे देता है? बियांका को। बियांका कैसियो को डांटती है, कहती कि हैंकी तुम्हें कहाँ से मिली। इस तरह से कहानी लगातार कॉम्प्लिकेटेड होती जाती है, क्योंकि जब बैंक
कैसियो के घर, आई मीन बाइंका के घर से लौट रहा होता है कैसियो, रास्ते में रोड्रिगो और आइगो उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। जब अटैक कर देते हैं बॉस, तो होता क्या है कि रोड्रिगो को काफ़ी ज़्यादा मार देता है कैसियो, और कैसियो को पीछे से एक पैर में मार देता है कौन, आइगो। कैसियो का पूरा एक पैर कट जाता है। इस तरह से शोर मचता है, और जब आइगो, मैंने बोला ना दुनिया का सबसे खतरनाक विलन, जब उसे लगा होता है, जब लोग इकट्ठे होने लगते हैं, तो उसी भीड़ में आइगो भी आ जाता है, कहता है अरे किसने मारा, किसने मारा। और इससे पहले कि उसका पोल खुले, बड़ी चालाकी से रोड्रिगो को मार डालता है कौन, आइगो। मैंने बोला ना बहुत कॉम्प्लिकेटेड विलन। अब दोस्त कहानी लगातार सुनिए, कॉम्प्लिकेटेड होती चली जाती है। और अब इधर डेस्टिमोना से अपनी हैंकी मांगता है कौन, अथेलो। अब यहाँ से कहानी देखेंगे। अब बेचारी डेस्टिमोना अपनी हैंकी खो चुकी होती है, और उधर हैंकी को ले जाके आइगो कैसियो के घर में दिखा देता है अथेले को। वो कहती है, अंत में कहानी इतनी मोड़, बहुत बुरी तरह से मोड़ लेती है दोस्त, कैसियो गुस्से में अथेलो ये सोचता है कि डेस्टिमोना ने उसके साथ बेवफाई की है, और वो मार डालता है डेस्टिमोना को। तो दोस्त जैसा कि हर ट्रेजेडी में होता है, जब डेस्टिमोना मर जाती है, तो बेचारी एमेलिया जो कि नौकरानी होती है किसकी, डेस्टिमोना की, वह गेट पे खड़ी होती है, आती है और पूछती है, शोर मचता है, सारे लोग इकट्ठा होते हैं। और अब सुनिए फिर कहानी में क्या होता है दोस्त। कहानी में कुछ ऐसा होता है कि एमेलिया बात चलने लगती है, जब बात हैंकी की चलती है, अथेलो कहता है मेरे प्रति बेवफा थी, तो एमेलिया जब हैंकी की बात चलती है, तब जाके पूरी कहानी खुलती है। एमेलिया ने कहा कि मेरे पति ने ही मुझसे कहा था हैंकी चुराने के लिए, मुझे नहीं मालूम था कि उस हैंकी से वो इतना बड़ा कांड करने वाला है। और दोस्त अंत में, इससे पहले कि वो और कुछ बता पाती, आइगो मार डालता है अपनी बीवी किसको, एमेलिया को। और दोस्त लास्ट में जब अथेलो को पता चलता है कि डेस्टिमोना निर्दोष थी, वह अपना सर पीट लेता है और लास्ट में आत्महत्या भी कर लेता है। बट द बिगेस्ट थिंग, मैंने बोला दुनिया का सबसे खतरनाक खलनायक, मतलब मैं खुद भी नहीं जानता कि इस प्ले को लिखने से पहले शेक्सपियर के दिमाग में क्या था, मतलब लास्ट में भी ये गधा मरता है कि नहीं मरता है, वी आर नॉट श्योर अबाउट दैट, इसके बारे में हम श्योर नहीं है। वो कहता है माई लॉर्ड आई ब्लीड बट आई एम नॉट किल्ड, मेरा खून बह रहा है पर मैं मरा नहीं हूँ। मतलब एज आई टोल्ड यू गाइस, जब ध्यान से ये रही पूरी की पूरी कहानी, अंत में अथेलो भी मर जाता है, डेस्टिमोना भी मर जाती है, बेचारी बायंका भी, सॉरी एमेलिया भी मर जाती है। ध्यान से सुनेंगे, कुछ मायनों में अजीब थी ये ट्रेजिडी। अजीब का अर्थ क्या था, शेक्सपियर ने पहली बार एक निग्रो को हीरो बनाया जिसका नाम अथेलो था। दूसरी बार, जैसे मैंने बोला था, शेक्सपियर की हर ट्रेजिडी में हीरो महान होता है, पर उसमें एकमात्र कमी होती है जो उसकी मौत का कारण बनती है, उसके पूरे पतन का कारण बनती है। और यहाँ आपको बता देना चाहूँगा, अथेलो की कमी है उसकी क्रेडियोलिटी, आसानी से विश्वास कर लेने की आदत। मतलब अथेलो में सबसे गंदी बात क्या है, वह एक महान तलवारबाज है, ही इज अ ग्रेट जनरल, उसने बहुत सारे युद्ध जीते हैं, पर उसके अंदर एक बहुत बड़ी कमी है जिसका फायदा उठा लेता है कौन, आइगो। और आइगो का वो डायलॉग आपको बताना कभी नहीं भूलूंगा, आई एम नथिंग इफ नॉट क्रिटिकल। मतलब एक लेक्चर, एक जब डेस्टिमोना से बात करता है कौन, आइगो, तो एक लाइन बोलता है, मैंने इसको यहाँ राउंड कर दिया है, क्या कि मैं कुछ भी नहीं हूँ अगर मैं आलोचक नहीं हूँ। उसकी आदत होती है, मतलब किसी पे भी कमेंट करना, किसी को भी उंगली करना, अगर मैं हिंदी में बोलूँ, किसी भी सेट गेम को बिगाड़ने में माहिर होता है कौन, आइगो। फिर से बोल रहा हूँ, शेक्सपियर की चारों प्रमुख ट्रेजेडीज में से आज तक मैं खुद भी हॉलीवुड मूवीज का बहुत बड़ा फैन हूँ दोस्त, पर मैं आज तक मैंने ऐसा कोई खलनायक नहीं देखा जो कहीं भी आस पास फटक पाता हो किसके, आइगो के। तो दोस्त द सिंपल थिंग इज,
क्रेडुलिटी इज द ट्रेजिक फ्लॉ ऑफ अथेलो. अथेलो का जो ट्रेजिक फ्लॉ है वो क्रेडुलिटी है, वो किसी बात को विश्वास कर लेना है. डेस्टिमोना अपनी मौत तक उसके प्रति वफादार रहती है, पर उसके दिमाग उसकी मति को भ्रष्ट कर डालता है कौन? आइगो. तो दोस्त इसलिए मैंने आपको बोला कि आइगो फायदा उठा लेता है किसका? लोगों की बेवकूफ़ी का. वो कहता भी है एक डायलॉग में कि मैं तो बस लोगों के इमोशंस को वर्गलाना जानता हूँ. मतलब ही नोज हाउ टू मेक अ फूल आउट ऑफ अ पीपल. वो बस लोगों को बेवकूफ़ बनाना जानता है और उसी का शिकार हो जाता है हमारा हीरो कौन? अथेलो. तो गाइज द वेरी सिंपल फैक्ट इज गाइज, कुछ इसके कोटेशंस हैं जो लिखे गए हैं आपको, जैसे हर बार देता हूँ. आज शाम को एक और PDF फाइल दूंगा, तो यू डोंट नीड टू गेट वरीड अबाउट दैट. तो चलेंगे दोस्त, एक बार सारे PDF फाइल्स ये सब आपको फिर से दे दिए जाएंगे. इस बात को देखते हुए ध्यान से सुनेंगे. आपको करना क्या है, सारे करेक्टर्स याद रखने हैं, इम्पॉर्टेंट लाइन्स याद करनी है. सबसे बड़ा एक्ट कौन सा है, सबसे बड़ा किस एक्ट में कितने सीन्स हैं, सबसे छोटे, देखिए आपको ये चीज़ आपको याद रखनी है. और बेसिकली कुछ लाइनें जो प्रमुख हैं उनको आपको ध्यान देना है बेसिकली. और देखिए आपको खास करके करेक्टर ही याद रखने हैं, पब्लिकेशन का ईयर याद रखना है, क्वार्टर एडिशन याद रखना है, पोलियो एडिशन याद रखना है. तो चलेंगे विद दिस, आई का क्लोज अप ऑन दिस, विशिंग यू वेरी गुड बाय. प्लीज़ बताइए कैसा लगा दोस्त. तो वेलकम टू चंद्रा शूट इलाहाबाद. आज हम लोग जानेंगे कैसे चंद्रा शूट का ऐप को इंस्टॉल करें या कैसे उस पर अपने कोर्स को देखें परचेस करें. ठीक, सबसे पहले आप लोग को क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है. प्ले स्टोर पर जाने पर आपको क्या लिखना है, चंद्रा शूट इलाहाबाद. जैसे ही लिखेंगे तो आप सामने एक तरह का एक मतलब लोगो आ जाएगा और आपको क्या करना है, इंस्टॉल बटन पे क्लिक करना है. जैसे इंस्टॉल करेंगे, इंस्टॉल होने के बाद आप यहाँ पे रिव्यू दे सकते हैं ऐप के बारे में. उसके बाद आपको क्या करना है, इंस्टॉल हो जाएगा, उसके बाद आपको ओपन करना है. ठीक, ओपन बटन में जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये इस तरह की स्क्रीन आएगी. स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे लिखा है मोबाइल ऑब्लिक यूजर आईडी और दूसरा लिखा है इंटर पासवर्ड. अगर आपको पहले आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की, ठीक है, अगर आपके पास पहले से आईडी है चंद्रा की तो आप यहाँ पे अपनी आईडी या मोबाइल नंबर और पासवर्ड डालेंगे. अगर आप नए हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट. आपको क्या करना है, क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करना है. ठीक, यहाँ पे दो लोगो दिए गए हैं यूट्यूब. अगर आपको चैनल सब्सक्राइब करना है यहाँ पे चैनल पे डायरेक्ट जा सकते हैं, कोई दिक्कत आती है ऐप से रिलेटेड तो यहाँ पे कॉल कर सकते हैं. ठीक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, अगर आप नए हैं तो क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे. जैसे ही क्रिएट योर अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा बहुत ही सिंपल सा फॉर्म आएगा. उस फॉर्म में आपको तीन या चार चीज़ें भरनी है. पहला, इंटर योर नेम, आपको अपना नाम भरना है. इंटर यूजर आईडी योर सेल्फ, अब आईडी आप कुछ भी रख सकते हैं, नाम नंबर यानी मिला के, यानी यहाँ पे आपको ईमेल आईडी जरूरत नहीं, आप कुछ भी आईडी रख सकते हैं. इंटर मोबाइल नंबर, मोबाइल नंबर बहुत ही ज़रूरी है, जो मोबाइल नंबर आपके पास हो या आपके साथ रहता हो वही मोबाइल नंबर यहाँ पे डालिएगा. उसके बाद दो बार पासवर्ड, और क्या करेंगे, रजिस्टर बटन पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपसे क्या मांगेगा, OTP आएगा. जो आपने मोबाइल नंबर यहाँ डाला है उसी मोबाइल नंबर पे OTP आएगा और आपको OTP, ठीक है, जैसे ये मैंने भरा हुआ है, नाम हो गया, आईडी हो गया, आईडी कुछ भी हो सकती है, नंबर मोबाइल नंबर हो गया, पासवर्ड डाला और रजिस्टर बटन पे क्लिक किया. जैसे रजिस्टर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या आएगा, प्लीज़ इंटर OTP हियर. जो आपने मोबाइल नंबर डाला रजिस्ट्रेशन के समय वो आपको यहाँ पे OTP यहाँ पे डालना होगा. जैसे OTP डालेंगे, सबमिट बटन क्लिक करेंगे तो सामने मैसेज आएगा सक्सेसफुली रजिस्टर्ड. फिर आपके सामने ये वाली स्क्रीन आ जाएगी, ठीक है, आईडी और पासवर्ड की. तो आपको जो अभी आपने आईडी या मोबाइल नंबर डाला दोनों में से एक चीज़ डालेंगे और पासवर्ड जो आपने बनाया वो पासवर्ड डालेंगे और क्लिक हियर टू लॉगिन पे क्लिक करेंगे. जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऐप का जो होम स्क्रीन है वो सामने आपके आ जाएगा. ठीक, यहाँ पर मैंने ये दिखाया है कि अगर आपके पास आईडी बनी हुई है, आपको आप अगर मोबाइल नंबर डाल रहे हैं तो ये लिख रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो आप अपने मोबाइल नंबर डाल के पासवर्ड रिसेट कर सकते हो. तो अगर आपने आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, अगर आप सामने ये मैसेज आ गया कि ये आईडी या ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है, तो आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, दो बार नया पासवर्ड डालेंगे और रिसेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका जो नंबर है जो बता रहा है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उसी नंबर पर OTP मांगेगा. आपको क्या करना, OTP डालेंगे, सबमिट करेंगे, ठीक है, अब अपना मोबाइल नंबर और जो नया पासवर्ड बनाया है वो पासवर्ड डाल के आप उससे भी लॉगिन कर सकते हैं. इन द केस अगर आपके पास ये मैसेज आता है कि ये नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है उस केस में. ठीक,
उसके बाद जैसे ही आपने मान लो लॉगिन किया, आपने सक्सेसफुली सब कुछ रजिस्ट्रेशन हो गया, लॉगिन करेंगे आप सामने ये स्क्रीन आएगी। पहली स्क्रीन होम स्क्रीन की होगी, जहाँ पे क्या कर सकते हैं, जहाँ पे क्या होगा, हमारे तरफ जो भी इन्फॉर्मेशन होगी आपको यहाँ पे दी जाएगी। और यहाँ पे एक बटन है क्लिक हियर टू ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स। अगर आपको कोई नोट्स हार्ड कॉपी में स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने घर तक मंगवाना है तो यहाँ पे क्लिक करके अपना नाम पता एड्रेस डालकर, ये सर्विस अभी चालू नहीं, जब चालू होगी तो बता दी जाएगी, अगले 10-15 दिन में चालू हो जाएगी। यहाँ से आप हार्ड कॉपी के लिए नोट्स को ऑर्डर कर सकते हो। फिर दूसरा कोर्स का देखिए, कई सारे टाइप है, होम कोर्सेज, परचेज कोर्स और फ्री नोट्स। तो पहला होम वाला देख लिया, आप कोर्सेज में जाके देखेंगे। कोर्सेज में आपके जितने भी हमारे द्वारा कोर्स ऑनलाइन चल रहे हैं वो यहाँ पे आपको शो करेंगे, कब स्टार्ट हो रहा है। हर कोर्स के अंदर डेमो वीडियो है, आप उसको डेमो वीडियो को देख सकते हैं और उस कोर्स का कितना अमाउंट है, और आप उस कोर्स के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक, तो ये डिफरेंट कोर्स, KBS, PRT, CTT प्राइमरी, UPTET प्राइमरी। ठीक, उसके बाद अगला टाइप था क्या था, कोर्सेज और परचेज कोर्स। अगर आप कोई कोर्स परचेज करते हैं तो वो कोर्स कोर्सेज हट कर कहाँ आ जाएगा, परचेज में। अगर आपने कोई कोर्स खरीदा और उसके अंदर सारी वीडियो आप चाह रहे हैं, अगर आपने कोई कोर्स खरीदा तो परचेज कोर्स में वो कोर्स दिखेगा। अभी आगे देखते हैं कैसे आएगा वो। ठीक, अगला टैब था फ्री नोट्स का, जो भी स्टडी मटेरियल होगी, ये तो अभी डेमो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये हट जाएगा। ठीक है, आज शाम से स्टार्ट हो जाएगा वो डालना फ्री नोट्स। जो भी स्टडी मटेरियल्स होंगे जो आपको टेलीग्राम यहाँ पे मिलते थे, अब आपको यहाँ पे मिलेंगे। ठीक, तो फ्री नोट्स में आपको क्या मिलेगा, जो भी मटेरियल कोचिंग के द्वारा प्रोवाइड किया जाएगा वो आपको यहाँ पे शो होगा, आप इसको फुली बिना कोई अमाउंट के डाउनलोड कर सकते हो और पढ़ सकते हो। ठीक, तो मैंने मान लो कोई एक कोर्स लिया, मान लो BEO ले लिया, तो उसके अंदर सारे चैप्टर्स होंगे, हर चैप्टर अंदर 3-3 डेमो होंगे, अभी डेमो बन रहे हैं, वो जल्दी डाले जाएंगे, तो डेमो भी आप देख सकते हैं। देखने के बाद आपको क्या करना है, बाई फुल कोर्स एट 5290 जो भी अमाउंट होगा, आपको क्या करना है उस पर क्लिक करना होगा। यहाँ पे आप जो 3-3 अंदर दिख रहे हैं उसको पूरी वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे क्लिक करके इस कोर्स को बाई करते हो। तो जैसे ही बाई फुल कोर्स एट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आ जाएगा पेमेंट प्रोसेस। पेमेंट प्रोसेस में आपको अपना नाम सही सही भरना है, अपनी ईमेल आईडी सही सही भरनी, क्योंकि जो रसीद है, रिसीप्ट है, वो इसी पे जाएगी। अपना मोबाइल नंबर सही से भरना है, और कूपन कोड अगर कोई सर ने जारी किया, जैसे अभी न्यू ईयर का कूपन कोड कल चल रहा है C2020, तो समय समय पे अगर चंद्रा के द्वारा कोई कूपन दिया जाता है तो उस कूपन कोड को यहाँ पे डाल के आप फीस में छूट प्राप्त कर सकते हैं। जैसे करंट में न्यू ईयर का जो कूपन कोड है C2020, उसको आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बाई कोर्स पे क्लिक करना है। जैसे ही बाई कोर्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास आएगा पेमेंट ऑप्शन, यानी कितने तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं, जैसे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, EMI, वॉलेट्स, UPI। तो आपके लिए आपके पास जो भी सुविधा हो उस हिसाब से आप यहाँ से पेमेंट कर सकते हो। ठीक, जैसे डेबिट कार्ड का यहाँ पे है तो कार्ड का नंबर हो गया, कार्ड का क्या नाम है, कार्ड पर एक्सपायरी और CVV, ATM कार्ड पे जो CVV पिन होता है 3 नंबर का, वो यहाँ डाल के आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। ठीक, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग, यहाँ बहुत सारे बैंकों के नाम है, आपका जो भी नेट बैंकिंग आप जो चलाते हो नेट बैंकिंग के माध्यम से पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद वॉलेट्स, अलग अलग वॉलेट्स, फ्रीचार्ज, जियो मनी, ई पे लेटर, ओला मनी, जो भी आपके पास है आप उसके थ्रू भी यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। उसके बाद UPI, अगर आप UPI चलाते हैं, गूगल पे या फिर भीम, जो भी हो आप चलाते हैं, आप वहाँ उस UPI एड्रेस को डाल के भी पेमेंट कर सकते हो। जैसे पेमेंट करेंगे तो आपके सामने परचेज कोर्स जो कि खाली था, अभी मैंने एक स्क्रीनशॉट लिया हुआ है जो कि ऑलरेडी परचेज एक ID पर सीटेड प्राइमरी, यूपीटेड प्राइमरी। तो जैसे आप मान लीजिए कोई कोर्स बाई करते हैं इस मेथड के थ्रू, तो परचेज कोर्स के अंदर वो जो जिसके लिए आपने पेमेंट किया है वो कोर्स यहाँ पे आ जाएगा। इस कोर्स पे जैसे ही क्लिक करोगे जितनी भी टोटल वीडियो होंगी इस कोर्स के अंदर वो सारे आपको यहाँ से मिल जाएंगे। ठीक, और सारी ऐसे ये बताना चाहते हैं, यहाँ पे 3 डॉट होगा जहाँ पे अपनी प्रोफाइल क्रिएट कर सकते हो, मतलब अपना नाम, मोबाइल नंबर और पासवर्ड अगर चेंज करना हो तो यहाँ से चेंज कर सकते हो। प्लस अगर आपको ऑर्डर हार्ड कॉपी नोट्स ऑर्डर करनी है तो यहाँ से कर सकते हो। कॉन्टैक्ट अस, अगर कोई दिक्कत आ रही है, पेमेंट कर दिया, कोई भी प्रॉब्लम आई तो कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और बाहर आना है तो साइन आउट कर सकते हो।
ठीक, जैसे प्रोफाइल वाला है तो प्रोफाइल में नाम हो गया, आईडी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, और यहाँ पे पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। ठीक, तो ये पूरा प्रोसेस है जहाँ पे आप इस तरह अपने ऐप को चला सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम ये दिख रही है कि बहुत सारी आईडी में ये प्रॉब्लम आ रही है कि ऑलरेडी रजिस्टर्ड लिख रहा है, मतलब वो नंबर ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। तो उस केस में क्या करना है, आपको न्यू रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। ठीक है, उस केस में आपको उस केस में आपको क्या करना है, फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है, जो कि आपको यहाँ दिखेगा। ठीक, फॉरगेट पासवर्ड जैसे ही क्लिक करें, अगर आपके सामने ये लिख के आता है कि आईडी या मोबाइल नंबर आईडी रजिस्टर्ड दिखा रहा है, तो जो मोबाइल नंबर आपने डाला है, जो रजिस्टर्ड दिखा रहा है, वो फॉरगेट पासवर्ड में जाके आपको क्या करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है और दो बार पासवर्ड डालना और रीसेट कर देना है। अब आप लॉगिन करेंगे तो अब आपको क्या करना, रजिस्ट्रेशन नहीं करना, अब आपको सीधे क्या करना, लॉगिन करना मोबाइल नंबर डाल के और जो नया पासवर्ड बनाया वो पासवर्ड डाल के। ठीक है, तो इस तरह आप ऐप को यहाँ से सीधा आसानी चला सकते हैं। कोई भी दिक्कत होती है तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। ठीक है, आपके लिए सारी सुविधा सॉल्व होगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।